Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu. In this video, I have a good news for you guys, and the news is कि आपकी परसेंट बहुत शानदार बनने वाली है इस बार. जितना आपने सोचा उससे अच्छा रिजल्ट आपका आएगा इस बार. देखिए, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने मॉडरेशन पॉलिसी को 1992 में स्टार्ट किया और 2017 में इसको एंड कर दिया. कारण सिर्फ ये था कि 1992 में गवर्नमेंट चाहती थी कि जो रिजल्ट है उसका उसको इम्प्रूव किया जाए, रिजल्ट को अच्छा बनाया जाए. तो 1992 से 2017 तक चली मॉडरेशन पॉलिसी. मॉडरेशन पॉलिसी मैं ऑल्दो एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, लेकिन एक बार फिर बता दूं, मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब है कि यदि कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट अगर खराब आता है तो गवर्नमेंट उसको अपनी साइड से कुछ मार्क्स अलॉट करती है ताकि ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अच्छा हो सके. यदि किसी स्टूडेंट का पर्टिकुलर सेट टफ आता है तो उस टफ सेट वाले स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं ताकि वो स्टूडेंट दूसरे के मुकाबले उनके साथ कोई भी पार्शियलिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो. इसके साथ साथ लीनियंट मार्किंग की जाती है ताकि अगर कोई छोटी मोटी एरर हो तो उसको जो है इग्नोर किया जाए, नेग्लेक्ट किया जाए और मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए जाए. तो मॉडरेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने 2017 में बंद कर दी क्योंकि कट ऑफ जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा था. बहुत सारे स्टूडेंट के जब मार्क्स बढ़ा जा रहे थे तो जिनके स्टूडेंट जिनके मार्क्स 95 आ चुके उनके तो मार्क्स और नहीं बढ़ सकते, लेकिन जिनके मार्क्स 80 आ रहे हैं उनके बढ़ के 90 हो जाते थे, समझ गए. तो ओवरऑल जो कट ऑफ था वो ज्यादा हो जाता था, जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने 2017 में इसको बंद कर दिया. अब 2020 में क्योंकि रिजल्ट खराब आने के चांसेस थे तो फिर ये मांग की जा रही थी कि मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के आया जाए. अगर लेकर के आया जाता तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा होगा भाई इस साल लेकर आए तो फिर अगले साल भी करना पड़ेगा, फिर बच्चे मांग करेंगे कि भाई जो है गवर्नमेंट मॉडरेशन पॉलिसी को क्यों बंद कर दिया, ठीक है ना. तो इस बार जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो कुछ अलग है. मतलब हर बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो, मॉडरेशन पॉलिसी को यूज करती है. कुछ ओपनली करते हैं, कुछ बिना बताए करते हैं. मतलब रिजल्ट को खराब करना कोई भी नहीं चाहता. तो आप ध्यान रखें कि जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो इस बार हिडन है. मतलब टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि आपको कॉपी लीनियंट चेक करनी है, लाइट कॉपी चेक करनी है. जितने ज्यादा मार्क्स आप दे सकते हैं उतने मार्क्स दें, क्योंकि गवर्नमेंट कंपार्टमेंट एग्जाम्स को हेल्ड कराने की सिचुएशन में नहीं है. अगर किसी स्टूडेंट के 4 या 5 मार्क्स में जो है एग्जाम, मतलब मार्क्स जो है, अगर किसी स्टूडेंट के 4 एग्जाम में मार्क्स सही आ रहे हैं, 1 में अगर वो फेल हो रहा है तो उसको जबरदस्ती ग्रेस तक जरूर पहुंचाने की कोशिश होगी. अब वो बात अलग है, शीट खाली छोड़ के आओ तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है. ग्रेस, अगर कोई ग्रेस तक पहुंच रहा है तो उसको जरूरत नहीं पढ़ने देंगे ऐसी कि उसकी ग्रेस आ जाए, उसको पास किया जाएगा. मैं आपको बता दूं कि इस तरह की अब आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है. आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है कि मॉडरेशन पॉलिसी बिना बताए यूज की जा रही है ताकि नेक्स्ट ईयर फिर से डिमांड ना उठे कि आपने प्रीवियस ईयर में स्टार्ट कर दी थी, अब इस ईयर में फिर से जो है उसको अप्लाई करो. इसलिए गवर्नमेंट ने मॉडरेशन पॉलिसी को छुपा के रखा है और उसको यूज कर रही है. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बोला वी वांट मॉडरेशन पॉलिसी. आप मॉडरेशन पॉलिसी चाहते हो लेकिन आपको उससे पहले मिल गई, लेकिन हिडन फॉर्म में मिली है, कारण मैंने आपको बता दिया, क्लियर है. तो सभी स्टूडेंट टेंशन फ्री होकर पढ़े और जो भी कर रहे हैं वो करते रहे तरीके से. तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस को जरूर लिखना है, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपका वेट कर रही हैं. क्लास 10th में जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट अब 11th 12th में आएंगे तो फिजिक्स आपका वेट कर रही है. इसके साथ साथ जो स्टूडेंट 12th क्लास पास आउट हो जाएंगे उनके लिए करियर रिगार्डिंग बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस मैं अपलोड करूंगा एंड करता हूं, सो दैट आपको बहुत सारे यूजफुल कॉन्टेंट मिल पाए. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर.